बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, होप यू आर डूइंग वेल। तो चिप्स के सिलसिले में लेक्चर जारी हैं। क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ मिस्टर चिप्स नॉवल, इसका पहला पार्ट अपलोड हो चुका है। इसी सिलसिले में दूसरा पार्ट आज होगा इस वीडियो में। तो इस नॉवल में इंटरेस्टिंग सिचुएशंस और सिम्बोलिज्म पर बात होगी आज, कि इस नॉवल में कौन सी दिलचस्प सूरत हाल आती हैं और सिंबलिज्म क्या है इसमें, अलामती मीने क्या हैं, इस पर आज बात होगी। मसलन इसमें पहली सिंबल, पहला ही बहुत ज़बरदस्त वाक्या होता है, पहली सिचुएशन जब कैथरीन और चिप्स मिलते हैं ग्रेट गैबल पर। ये एक पुरफा सेहत अफजा मुकाम है, पहाड़ी इलाका है। तो ग्रेट गैबल ये पहाड़ का नाम है, इसका मतलब है पहली सिंबल हमें मिलती है माउंटन की, पहाड़ की। तो अब जब हम माउंटन बजाते, खुद एक ग्लोरी की अलामत है, अजमत की अलामत है, ऊंचाई की अलामत है। इसको हम रिलेट करने की कोशिश करेंगे चिप्स और कैथरीन के ज़रिए से। अब देखें, इस नावल में जो हमें बताया गया है कि चिप्स जो है वो पहाड़ के दामन में खड़ा है और कैथरीन पहाड़ के ऊपर चढ़ी हुई है, और फतह याब होने पर कि उसने कामयाबी से पहाड़ी को सर किया है, अपनी दोस्त को जो नीचे खड़ी है पहाड़ के दामन में, उसको विक्ट्री का हाथ हिला रही है। तो चिप्स जो है वो नीचे खड़ा है, इसका मतलब है चिप्स जो है अभी रॉ पर्सनैलिटी है, उसमें नैरोनेस है, एक जिसे कहते हैं स्टैटिक करेक्टर है, रुका हुआ किरदार है, मुंजमद है। और कैथरीन जो है वो एक एक्सपर्ट माउंटेनियर है, माहिर कुह पेमा है, और वो बुलंदी पर पहले से मौजूद है। यानी पहाड़ जो है, यह माउंटन राइज की अलामत है, ग्लोरी की अलामत है, कि कैथरीन इज़ ऑलरेडी इन्जॉइंग ग्लोरी एंड राइज वाइल चिप्स स्टिल नीड समथिंग न्यू। तो इसके सिलसिले में जब जो है चिप्स उसकी हेल्प करने के लिए कैथरीन की तरफ तेज़ी से मुड़ता है, तो उसका जो टखना है वो मुड़ जाता है। तो इसलिए भी चिप्स का ये जो कैथरीन की तरफ मुड़ना, लपकना, रश करना है कैथरीन की तरफ, ये हमें जाहिर करता है कि चिप्स की जर्नी है नैरोनेस से इनलाइटनमेंट की तरफ। नैरोनेस टू इनलाइटनमेंट, यानी चिप्स का जो कैथरीन की तरफ जाना है, ये उसके तंग जहनी से एक रोशन ख्याली की तरफ एक सफ़र है। और ये भी आप कह सकते हैं कि चिप्स जो है वो अंधेरे से निकलकर रोशनी की तरफ भाग रहा है, पस्ती से निकलकर बुलंदी की तरफ जाएगा। यानी चिप्स का कैथरीन की तरफ मुड़ना, ये एक तब्दील पर्सनैलिटी की अलामत है, यानी ये उसकी पर्सनैलिटी मुकम्मल तौर पर तब्दील होने वाली है। नेक्स्ट सिचुएशन इसमें आती है कि फिज़िकली उसका जो टखना है वो मुड़ जाता है, मोच आ जाती है उसमें, और चिप्स की ज़िंदगी में भी एक टर्न आता है, पॉजिटिव टर्न आता है। उसकी बेकैफ ज़िंदगी जो है अब रौनक बनने वाली है जब उसे कैथरीन मिलती है। यानी अगर चिप्स का टखना, अगर चिप्स के टखने में वोच ना आती तो उसको कैथरीन ना मिलती, कैथरीन ना मिलती तो उसकी ज़िंदगी में खुशियां ना आती। तो ये ट्विस्टिंग ऑफ एंकल हैज़ बीन अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज फॉर चिप्स। नंबर थ्री पे यूनियन ऑफ कैथरीन एंड चिप्स, कि कैथरीन और चिप्स का जो इस नावल में इनकी आपस में यूनियन करवाई जाती है, इनकी शादी होती है, तो उससे हमें पता चलता है दिस इज़ नॉट ओनली यूनियन ऑफ चिप्स एंड कैथरीन ऑफ टू पर्सनैलिटीज बट ऑफ टू एजेस। ये यूनियन है विक्टोरियन एज की मॉडर्न एज से, मर्ज है, विक्टोरियन एज मॉडर्न एज में मर्ज होती है। एक और बात भी हम सीखते हैं इस नावल से कि चिप्स जो है जो ख्वातीन के बारे में बहुत पुअर ओपिनियन रखता है, वो उनसे घुलता मिलता नहीं है, बात नहीं करता। तो जब तक आप किसी से बात नहीं करेंगे, किसी की बात को नहीं अपनाएंगे, सुनेंगे, तो फिर कैसे उसके बारे में पता चलता है। वी कांट जज पीपल अनटिल वी मीट देम। एक और बात खुलकर सामने आती है इस नावल में कि जब आप लोगों के करीब जाते हैं, एक दूसरे की बात सुनते हैं, कम्युनिकेशन होती है, डायलॉग होता है, तो मसाइल हल होते हैं, जिससे ज़िंदगी में खुशियां आती हैं। कम्युनिकेशन, प्रॉपर कम्युनिकेशन जो है ये बहुत ही ज़रूरी है एक दूसरे को समझने के लिए। उम्मीद है आपको ये बातें अच्छी लगी होंगी।
अगर अच्छी लगी हैं तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स इट फॉर द डे। अल्लाह हाफिज़।